हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग सभी मेडिकल के अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में नीट यूजी क्या पोस्टपोन हो सकता है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि नीट पोस्टपोन हो या ना हो, लेकिन अन अकेडमी आपको ज़रूर हेल्प करेगा नीट यूजी क्रैक करने में। आपको यहाँ पे है अन अकेडमी की तरफ से फ्री टर्बो 15 टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है टॉप एडुकेटर्स ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपको यहाँ पे जो नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है कोड, वो यूज़ करना है omkar_96, और जो ये एग्ज़ाम है वहाँ पे एनरोल करना है। एग्ज़ाम कब रहेगा? क्या एक ही दिन एग्ज़ाम रहेगा? तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम डेली रहेगा, 7:30 को 30 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा, और यहाँ पे जो है 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जो है अटेंड करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 मिनट का टाइम मिलता है। आपका धीरे 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 एक्यूरेसी लेवल इससे बढ़ता जाएगा। साथ में अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते तो मेरे लाइव लेक्चर्स रहते हैं, जिनका शेड्यूल जो है पूरा का पूरा मैं नीचे दे रहा हूँ। तो आपको वहाँ पर जाके लेक्चर्स भी अटेंड करना है। फ्री लेक्चर्स रहते हैं, लाइव लेक्चर रहते हैं। लेक्चर के लिए आपको कोड यूज़ करना है omkar_96। वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं, अपडेट जो है पूरा देखिएगा। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नीट यूजी के बारे में। बहुत सारे बच्चों का यही एक ही डिमांड है कि नीट यूजी को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन क्या एक्चुअल उसका रीज़न है और क्या यूजी नीट यूजी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है, हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे यूनियन है, जेई एसोसिएशन हो गया, नीट एसोसिएशन हो गया, सारे जो बच्चे हैं वो एसोसिएशन थ्रू ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, और उसको ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है 17 जुलाई का एग्ज़ाम पोस्टपोन करके सितंबर में एग्ज़ाम रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेन इशू यही आता है कि बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता। अभी जो है टर्म 2 के CBSE के कुछ एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि अप्रैल से लेकर जून तक चलेंगे, और जून के बाद बस एक महीना मिलता है प्रिपरेशन के लिए, जिसमें तो रिवीजन भी नहीं होता, ऐसे स्टूडेंट का कहना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को लिमिटेड टाइम मिलता है, जो कि उनके जगह पे सही भी है। तो इसीलिए उनका ये डिमांड है कि आप नीट यूजी को पोस्टपोन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सितंबर तक पोस्टपोन किया जाए, ऐसा सारे जो है मीडियम वहाँ से मैसेज आ रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट का जो भी नीट एस्पिरेंट है उनका ये कहना है कि आप लोगों ने जेई मेंस 2022 को पोस्टपोन कर दिया है, तो आप लोग नीट को क्यों नहीं पोस्टपोन करते? मतलब वहाँ पे जो है जेई वालों को ज़्यादा टाइम मिलता है, वेयर एज नीट वालों को बहुत कम टाइम मिलता है फॉर देयर रिविज़न। हालाँकि इम्पोर्टेंस दोनों एग्ज़ाम का अपने अपने जगह पर सही है। ठीक है, तो सारे बच्चों का यही डिमांड है कि नीट यूजी को पोस्टपोन किया जाए। साथ ही में कोविड का अभी माहौल चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे आज ही का एक न्यूज़ बता दूँ, देशात कोरोना की चौथी लाट नहीं। ओके, तो यहाँ पे कोविड का जो है फोर्थ वेव जो है वो नहीं आएगा, ऐसा क्लियर बोला गया है। तो इसके वजह से भी एक चांसेस कम है नीट यूजी के पोस्टपोन होने के, लेकिन स्टिल हम जो है अपील करते हैं अपने चैनल थ्रू कि आप जो है नीट यूजी को थोड़ा तो पोस्टपोन कर दो, क्योंकि बच्चों को रिवीजन के लिए टाइम मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो के नीचे जो है कमेंट करो #postponeneetyugexam, और बाकी ट्विटर पे भी तो है, ट्विटर पे भी फॉलो कर लो, और साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे के नीट के सारे वीडियो देख लेना। थैंक यू सो मच।